बच्चों आज का टॉपिक है आपका सीमेंट कंक्रीट। आज हम बात करते हैं सीमेंट कंक्रीट के बारे में। तो कंक्रीट क्या होता है? यह इंजीनियरिंग कार्यों में प्रयोग किए जाते हैं। कंक्रीट का जो यूज होता है वो इंजीनियरिंग कार्यों में होता है। कंक्रीट जो होता है ये तैयार कैसे होता है? कंक्रीट तैयार होता है सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट तथा पानी के मिश्रण से। हमारा क्या होता है? कंक्रीट तैयार होता है सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट। ये हमारा फाइन कोर्स, ये हमारा फाइन एग्रीगेट होता है सैंड, और जो हमारा एग्रीगेट है ये हमारा कोर्स एग्रीगेट होता है। ये तथा पानी की सहायता से क्या होता है? कंक्रीट तैयार होता है। सीमेंट कंक्रीट को विभिन्न साइज और शेप में ढाला जा सकता है। इसकी संपीड़न सामर्थ्य अधिक होती है। जो कंक्रीट होती है इसकी संपीड़न सामर्थ्य होती है वो कितनी होती है? ज़्यादा से ज़्यादा होती है, अधिक होती है। कंक्रीट के संघटक, मटेरियल यूज्ड इन कंक्रीट। कंक्रीट में कौन कौन से मटेरियल यूज होते हैं? अभी हमने आपको ऊपर बताया सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट तथा वाटर। वही यहाँ पे है सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट तथा वाटर। अगर हम बात करते हैं सीमेंट की तो क्या होता है? सामान्यतः कार्यों के लिए ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का प्रयोग किया जाता है तथा कुछ विशेष कार्यों के लिए रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, क्विक सेटिंग सीमेंट का प्रयोग किया जाता है। नॉर्मली जो हम यूज करते हैं वो हमारा कौन सा होता है? ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होता है। बाकी हम बहुत सारे सीमेंट यूज करते हैं, वाइट सीमेंट भी यूज करते हैं, लो हीट सीमेंट भी यूज करते हैं, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट यूज करते हैं। दूसरा हम बात करते हैं सैंड। सैंड क्या होता है? महीन मिलावे के रूप में सैंड का प्रयोग किया जाता है। यानी कि कंक्रीट में महीन मिलावे के रूप में हमें कौन सा यूज करेंगे मटेरियल? सैंड का यूज करेंगे। बालू मोटे मिलावे के रंध्र को भरकर कंक्रीट को सघन बनाते हैं। सघन, सघन का मतलब क्या होता है? डेंसिटी। सघन का मतलब ये होता है कि डेंसिटी प्राप्त करना, ठीक है? कंसोलिडेशन बोलते हैं। सघन की इंग्लिश जो होती है वो क्या होती है? कंसोलिडेशन होती है। तीसरा अगर हम बात करेंगे एग्रीगेट होता है। एग्रीगेट क्या होता है? कंक्रीट में मोटे मिलावे के रूप में बजरी यानी कि ग्रेवल या एग्रीगेट का प्रयोग करते हैं। हमारा एग्रीगेट जो होता है ये क्या होता है? कोर्स एग्रीगेट होता है। तो ग्रेवल जो होता है ये हमारा क्या होता है? ये भी हमारा कोर्स एग्रीगेट में आता है। अगर हम बात करेंगे ग्रेवल की साइज क्या होती है तो ग्रेवल की साइज होती है 40 एमएम के नियर में या इससे ऊपर भी हो सकती है। हमारा ग्रेवल 80 एमएम तक हमारा जो ग्रेवल होता है इसकी साइज होती है। साधारण कार्यों के लिए 12 से 40 एमएम तक गिट्टी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है? जो नॉर्मली हम देखते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, तो बिल्डिंग में नॉर्मली जो एग्रीगेट यूज होता है वो 20 से 40 एमएम का होता है, लेकिन यहाँ पे बात क्या हो रहा है? साधारण कार्यों के लिए, यानी कि जो हमारा एग्रीगेट की साइज होगी 12 एमएम से लेकर 40 एमएम तक यूज होगी। चौथा बात करते हैं वाटर की। वाटर हमारा क्या होगा? सीमेंट कंक्रीट में साफ पानी यूज करना चाहिए जिसमें कोई हानिकारक अशुद्धि ना हो। पानी जो रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन होनी चाहिए। इसमें घास फूस नहीं होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं कंक्रीट प्रपोर्शन की। कंक्रीट का जो अनुपात है वो क्या होना चाहिए? कंक्रीट का जो अनुपात है वो क्या होता है? 1:1। साधारण कार्यों के लिए कुछ और होगा और न्यू कार्यों के लिए कुछ और होगा। इसलिए साधारण कार्य की अगर बात करें तो साधारण कार्यों में हमारा कंक्रीट में जो सीमेंट सैंड एग्रीगेट का रेशियो होगा वो क्या होगा? 1:1:3 का होगा या 1:2:4 का होगा। दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट जगह डिफरेंट यूज होगा। अगर हम बात करें न्यू कार्यों के लिए तो न्यू कार्यों में सीमेंट सैंड एग्रीगेट का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? 1:3:6 या 1:4:8 का होगा। ये हमारा क्या होगा? कंक्रीट अनुपात हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं वाटर सीमेंट रेशियो के बारे में। वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है? सीमेंट कंक्रीट की सामर्थ वाटर सीमेंट रेशियो पर डिपेंड करती है। जो हमारा सीमेंट कंक्रीट है इसकी सामर्थ किस पर डिपेंड करती है? वाटर सीमेंट रेशियो पर डिपेंड करती है। सीमेंट कंक्रीट में मिलाए गए पानी के भार, सीमेंट कंक्रीट में मिलाए गए पानी के भार तथा सीमेंट के भार के अनुपात को क्या बोलते हैं? वाटर सीमेंट रेशियो कहते हैं। वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ाने से कंक्रीट की सामर्थ कम हो जाती है, इसलिए वाटर सीमेंट रेशियो हम बढ़ाते हैं, कम से कम रखते हैं। साधारण कार्यों के लिए जो वाटर सीमेंट रेशियो का मान होता है 0.4 होता है। ये इंपॉर्टेंट है। जो हमारा वाटर सीमेंट रेशियो का मान होता है 0.4 होता है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं वर्कबिलिटी। वर्कबिलिटी क्या होता है? स्वीकारता। स्वीकारता कंक्रीट का वह गुण है जिसके कारण तैयार कंक्रीट को आसानी से निर्माण स्थल पर प्रयोग किया जा सके। कंक्रीट में जितना अधिक पानी होता है कंक्रीट उतनी ही आसानी से प्रयोग में लाई जा सकती है। यानी कि जो हमारा कंक्रीट होगा, जैसे सीमेंट सैंड एग्रीगेट का जो रेशियो होगा उसमें जो हमारा पानी यूज होगा वो क्या होना चाहिए? पानी अधिक से अधिक होना चाहिए, इतना भी ज़्यादा ना हो जाए कि ब्लीडिंग आने लगे उसमें, तो अधिक से अधिक होना चाहिए। इसलिए क्या होगा? जो उसकी सामर्थ्य होगी वो अच्छी होगी। कंक्रीट की जो स्वीकारता ज्ञात करने के लिए स्लम टेस्ट
या स्लम टेस्ट और कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट का प्रयोग करते हैं, यानी कि जो स्लम टेस्ट है ये मशीन होता है जिसके कारण हम क्या करते हैं वर्कबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। अब हमारा वर्कबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है, हमारी जो मटेरियल होगा गिट्टी, जो गिट्टी की साइज़ क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट होगी, डिफरेंट डिफरेंट कार्यों के लिए गिट्टी की साइज़ डिफरेंट डिफरेंट होगी। अगर हम बात करते हैं टाइप ऑफ कंक्रीट और स्लम की बात करते हैं, जो हमारा रोड कंस्ट्रक्शन में जो हमारा कंक्रीट यूज होगा वो स्लम टेस्ट में कितने एमएम का होगा, 20 से 40 एमएम का होगा। अगर हम बात करें स्लैब वाल पार्पेट में जो हमारा कंक्रीट होगा, इसमें जो स्लम में जो कंक्रीट यूज होगा उसकी साइज़ क्या होगी, 40 से 50 एमएम होगी। नॉर्मल रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट वर्क के लिए जो हमारा गिट्टी की साइज़ होगी वो कितनी होगी, 80 से 150 एमएम होगी। मास कंक्रीट की बात करेंगे तो इसमें कितना होगा, 25 से 80 एमएम होगा। कैनाल लाइनिंग की बात करेंगे कितना होगा, 70 से 80 एमएम। कैनाल लाइनिंग क्या होता है, कैनाल लाइनिंग जब हम कभी भी नहर बनाते हैं तो क्या होता है, विदाउट लाइनिंग का नॉर्मली मिट्टी का बनाते हैं तो पानी अगर जब हम छोड़ते हैं उसमें तो क्या होता है, पानी का हमारा कहीं कहीं लॉस होता है, इसलिए उस लॉस को बचाने के लिए लाइनिंग का यूज करते हैं, ये हमारा कहलाता है कैनाल लाइनिंग। अगर हम बात करें कंक्रीट टू बी वाइब्रेट, यानी कि जो भी हम कंक्रीट यूज करते हैं तो उसमें वाइब्रेशन का वर्क जरूर करते हैं जिसके कारण क्या होगा, वाइड स्मूथ होता है। इस कंडीशन में जो हमारा कंक्रीट की जो एग्रीगेट की साइज होगी वो कितनी होगी, 10 से 25 एमएम। आपको एक चीज़ बताया, नॉर्मली जो हम स्लम टेस्टिंग यूज करते हैं उसमें जो गिट्टी की साइज़ होती है वो डू नॉट एक्सीड 36 एमएम, 36 एमएम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कंक्रीट बिछाना, प्लेसिंग कंक्रीट, कंक्रीट को हम कैसे बिछाएंगे कंस्ट्रक्शन वर्क में। कंक्रीट की अधिकतम सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए ठीक प्रकार से डालना चाहिए, जो हम प्लेसिंग करेंगे वो कंक्रीट की वो ठीक प्रकार से करनी चाहिए। कंक्रीट को बिछाते या डालते समय अधिक ऊंचाई से नहीं डालना चाहिए, यानी कि कुछ ना कुछ हाइट होती है कि आप इतने हाइट से डालेंगे तो ठीक है, उससे अगर ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, उसमें कहीं ना कहीं सेग्रीगेशन होगा यानी कि पृथक्करण होगा, अधिक ऊंचाई से पटकने पर इसका पृथक्करण हो सकता है। कंक्रीट के मुक्त फॉल यानी कि फ्री फॉल, जो हम कंक्रीट डालेंगे उसकी जो हाइट होगी 1.5 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये हमारा क्या होगा, प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट। इसके बाद बात करेंगे कंक्रीट बिछाते समय सावधानी, कंक्रीट बिछाते समय कौन सी सावधानी हमको बरतनी चाहिए। वर्षा के समय कंक्रीट कार्य बंद कर देना चाहिए, पहली बात, क्योंकि कंक्रीट कार्य बंद अगर नहीं होगा वर्षा के समय तो क्या होगा, ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। जैसे अगर बारिश होगा तो क्या होगा, जो हमारे फाइन पार्टिकल होंगे वो क्या होंगे, नीचे पानी के साथ बहने लगेंगे, फ्लो होने लगेंगे, और जो हमारे कोर्स एग्रीगेट होंगे वो क्या होंगे, ऊपर आ जाएंगे, इसलिए वर्षा के समय कंक्रीट कार्य बंद कर देना चाहिए। दूसरा हम बात करते हैं कंक्रीट को साथ साथ कॉम्पैक्स तथा वाइब्रेट करना चाहिए, यानी कि जो हम कंक्रीटिंग जब भी करते हैं, कंक्रीटिंग का मतलब क्या हुआ, सीमेंट सैंड एग्रीगेट और वाटर का मिक्सिंग, ये हमारा कंक्रीटिंग है। जब हम कंक्रीटिंग कहीं भी करेंगे तो क्या होगा, कॉम्पैक्शन तथा वाइब्रेशन साथ में करते रहना चाहिए। वाइब्रेटर मशीन का इसलिए यूज करना चाहिए ताकि जो वायर्स होते हैं वो मूव हो जाए और उनके जगह बाकी जो मटेरियल हमारे हैं वो क्या हो, फिलअप हो जाए आसानी से, जिसके कारण क्या होगा, मैक्सिमम डेंसिटी प्राप्त होगी। तीसरा बात करते हैं गीली कंक्रीट पर पैर व औजार नहीं रखना चाहिए। अब आप ही गीली में अगर कंक्रीट पर पैर या औजार रखें तो क्या होगा, उसमें सेग्रीगेशन आएगा ना, मटेरियल दूर दूर हो जाएंगे जिसके कारण क्या होगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होगा। चौथा बात करते हैं कंक्रीट को सामान मोटाई की परतों से डालना चाहिए, परतों की मोटाई 15 से 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हम कंक्रीटिंग करें तो कहीं पे 30 सेंटीमीटर कर दे तो कहीं सिर्फ कहीं पर 15 सेंटीमीटर करें, कहीं 50 सेंटीमीटर कर दे तो कहीं 20 सेंटीमीटर करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। नॉर्मल आपको एक थिकनेस होनी चाहिए जिससे आप हर वर्क जब करते रहें तो क्या होगा, उसकी एक मोटाई कुछ ना कुछ होनी चाहिए, एक लेयर में होना चाहिए, जिसके कारण क्या होगा, कंपैक्शन भी अच्छा होगा, वाइब्रेशन भी अच्छा होगा और डेंसिटी भी अच्छी प्राप्त होगी। इसके बाद हम बात करते हैं कंक्रीट की तराई, तो कंक्रीट की तराई कैसे करते हैं, कठोर हुई कंक्रीट को कुछ समय तक पानी छिड़क कर नम बनाए रखना ही तराई कहलाता है, यानी कि जब हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क पूरा देता है, जैसे नॉर्मली अगर हम कोई कॉलम तैयार करते हैं तो कॉलम तैयार करने के बाद क्या हो जाएगा, वो हार्ड हो जाएगा ना, हार्ड होने के बाद क्या करेंगे, उसकी कंक्रीटिंग करेंगे तो क्या होगा, उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। अब ये कंक्रीटिंग करेंगे कितने दिनों तक, जो हमारी कंक्रीटिंग में क्यूरिंग जो होगी, जो हमारी कंक्रीटिंग में क्यूरिंग जो होगी ये 7 दिन तक आपको करनी 7 दिन तक मैक्सिमम स्ट्रेंथ प्रोवाइड हो जाती है। लेकिन अगर हम बात करें क्यूरिंग की तो क्यूरिंग वैसे किया जाता है 28 दिन तक, लेकिन 7 दिन तक करेंगे तो आपकी स्ट्रेंथ मैक्सिमम प्रोवाइड हो जाएगी। यहाँ पे लिखा है कंक्रीट की न्यूनतम जो तराई होती है वो 7 दिन तक करनी चाहिए। और अगर हम बात करें ठंडे प्रदेशों में तो वहाँ पे जो कंक्रीटिंग होगी, वहाँ पे जो क्यूरिंग होगी वो 14 दिनों तक की जाती है। जैसे अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर की, तो वहाँ पे क्या होता है, ठंडी ज़्यादा होता है ना, ठंडा प्रदेश है वो, तो वहाँ पे जो हम क्यूरिंग करेंगे तो कितने दिनों तक करेंगे,
40 दिनों तक करना ही करना है। अब बात करते हैं तराई के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट। तराई के उद्देश्य कौन कौन से हैं? पहला, तराई से कंक्रीट स्थिर व टिकाऊ बनी रहती है, अभी हमने आपको ऊपर बताया है। सेकेंड है, वाष्पीकरण के कारण नमी की क्षतिपूर्ति करना, यानी कि नमी को बनाए रखना। अगर हम बात करते हैं तीसरा, सीमेंट की जलायोजन क्रिया जारी रखने के लिए आवश्यक नमी बनाए रखने के लिए तराई की जाती है। ठीक है, जलायोजन क्रिया का मतलब क्या, हाइड्रेशन, यानी कि हाइड्रेशन का मतलब ये होता है जलायन क्रिया। सीमेंट की जलायोजन क्रिया जारी रखने के लिए आवश्यक नमी बनाए रखने के लिए तराई की जाती है। मॉइस्चर, हम जब तक तराई करते रहेंगे तब तक क्या होगी, उसमें मॉइस्चर बना रहेगा और हाइड्रेशन जो होगा वो जारी रहेगा, जिसके कारण सामर्थ्य हमको अच्छी मिलेगी। अब हम बात करते हैं कंक्रीट की तराई, कंक्रीट की तराई कैसे करते हैं। तो मेथड ऑफ क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट तराई करने की बहुत सारी विधि, यहाँ पे आपको चार विधि बताई गई है। पहला क्या होता है, पानी छिड़ककर, दूसरा क्या होता है, भाप द्वारा तराई, तीसरा क्या होता है, कंक्रीट की सतह पर पानी भरकर, चौथा क्या होता है, कंक्रीट कार्य को ढककर। तो ऐसे हम चार टाइप से हम क्या करते हैं, क्यूरिंग करते हैं। पानी छिड़ककर क्या होता है, नॉर्मली स्प्रिंकल द्वारा क्या करते हैं, वाल पे या कॉलम हुआ या स्लैब हुआ जो भी हुआ वहाँ पे हम क्या करते हैं, पानी छिड़क छिड़क करके क्यूरिंग करते हैं। दूसरा क्या होता है, भाप, यानी कि स्टीम द्वारा भाप देते हैं, जहाँ पर भी हमको तराई करनी होती है वहाँ पर हम भाप देते हैं और भाप द्वारा तराई करते हैं। तीसरा क्या होगा, कंक्रीट की सतह पर पानी भरकर, यानी कि आप लोग देखेंगे नॉर्मली जब स्लैब बन जाता है ऊपर, सबसे टॉप जो हमारा बिल्डिंग होता है, बिल्डिंग के सबसे ऊपर टॉप में जो हमारा स्लैब होता है, स्लैब में क्या होता है, स्लैब बनने के बाद क्या होता है, वहाँ पर हम पानी को रोक देते हैं ना और पानी जमा कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, हमारा क्यूरिंग होता रहता है आसानी से, उसी को बोलते हैं पाउंडिंग। अगर हम बात करें कंक्रीट कार्य को ढककर, यानी कि ढककर भी कार्य होता है, कभी भी आप लोग देखे होंगे जब रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट के रोड बनते हैं तो वहाँ पे क्या होते हैं, जूट बैग का यूज किया जाता है और उस पे क्या करते हैं, उसमें हम पानी डाल देते हैं और आराम से ढक देते हैं, जिसके कारण जूट बैग पे नमी बनी रहती है और हमारा क्यूरिंग भी आसानी से हो जाता है। तो आप लोग का बच्चों यही टॉपिक था आज का, सीमेंट कंक्रीट यहीं पर ख़त्म होता है। अब इसके आगे हम नया टॉपिक आपको बताएंगे, अब उस नए टॉपिक का जो नाम होगा वो हमारा होगा फाउंडेशन। तो बच्चों आप लोग को आप लोग के समझ में आ गया होगा, अगर जहाँ भी नहीं समझ में आएगा आप लोग प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं,